वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्ता में। भारत और नेपाल के बीच लिम्पियादुरा, लिपुलेख और काला पानी को लेकर विवाद और गहराता जा रहा है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली ने मंगलवार यानी 19 मई को एक बार फिर नेपाल, भारत और चीन के बीच का क्षेत्र काला पानी लिम्पियादुरा लिपुलेख को किसी भी कीमत पर नेपाल के नक्शे में लाने की बात कही है। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में कि क्या है पूरा मामला और क्यों हो रहा है ये विवाद। कुछ दिनों पहले पड़ोसी देश नेपाल ने अपना नया मैप जारी करने का ऐलान किया था। इसमें कम से कम 3 ऐसे क्षेत्र हैं जो भारतीय क्षेत्र में आते हैं, लेकिन उन्हें भी इस नक्शे में शामिल करने की बात कही जा रही है। नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली के नेतृत्व में कैबिनेट की बैठक के दौरान इस मैप को मंजूरी दे दी गई है। इस मैप के मुताबिक लिम्पियादुरा, लिपुलेख और काला पानी नेपाल में है, जबकि ये इलाके भारत में आते हैं। हालांकि मैप को कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने कहा कि इन इलाकों को वापस पाने के लिए मजबूत कूटनीतिक कदम उठाए जाएंगे। नेपाल का नया नक्शा जारी होने के बाद पीएम ओली ने भारत पर तीखी टिप्पणी की है। ओली ने भारत पर तंज कसते हुए कहा कि भारत सिंहमेव जयते में विश्वास करता है या सत्यमेव जयते में। ओली के इस तंज का मतलब है कि क्या भारत सत्य की जीत चाहता है या सिंह यानी ताकत की जीत चाहता है, लेकिन हमारा मानना है कि सत्यमेव जयते होगा। साथ ही उन्होंने आगे कहा कि भारत के साथ दोस्ती को मजबूत करने के लिए ऐतिहासिक गलतफहमियों को दूर करना जरूरी है। संसद में उन्होंने कहा कि भारत सरकार से सीमा विवाद का मुद्दा किसी के दबाव में नहीं उठाया है। नेपाल केवल अपनी जमीन पर दावा कर रहा है, हमारी सरकार केवल देश के लोगों की भावनाओं का प्रतिनिधित्व करती है। इससे पहले भारतीय सेना प्रमुख ने कहा था कि ऐसा लगता है कि नेपाल किसी तीसरे पक्ष के इशारे पर लिम्पियादुरा, लिपुलेख और काला पानी का मुद्दा उठा रहा है। ओली ने इस दौरान चीनी राजदूत हो यांकी द्वारा उनकी कुर्सी बचाने वाले आरोपों का भी जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि विदेशी राजदूत ने मेरी सरकार गिरने से बचाया था, ये नेपाल की जनता द्वारा चुनी गई सरकार है और मुझे कोई भी नहीं हटा सकता। दरअसल पिछले कुछ दिनों रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने धारचूला से लिपुलेख तक नई रोड का उद्घाटन किया था। इस पर काठमांडू ने आपत्ति जताई है। इस मामले में नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप कुमार ग्यावली ने भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा को तलब कर लिया था। हालांकि भारत सरकार ने इस पर जवाब देते हुए कहा था कि उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में बनी रोड पूरी तरह से भारत के इलाके में है। इसके बाद से ही ये विवाद बढ़ता जा रहा है। तो ये थी भारत नेपाल के विवाद से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहें जनसत्ता के साथ।